और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है काबुल एयरपोर्ट के पास से। ये खबर आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर, नाले के पानी के बीच सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं डर के साए में, खौफ के साए में। बिल्कुल, और देखिए तालिबान के डर से नाले के रास्ते एयरपोर्ट के पास ये लोग पहुंचे हैं। कैसे भी इनकी कोशिश है क्योंकि एयरपोर्ट ही अब इनको एक माध्यम नजर आ रहा है देश छोड़ने का, मुल्क छोड़ने का। अमेरिकी सैनिकों से एयरलिफ्ट करने की ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी यहाँ से आप बाहर निकाल लीजिए। तालिबान ने अफगानों के लिए एयरपोर्ट का रास्ता ही बंद कर दिया है, तो अब क्या विकल्प इन लोगों के पास बचता है? ये नहर जिसके रास्ते ये लोग एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें काफी दिल दहला देने वाली है। आप सोचिए कि ये जद्दोजहद जारी है, एक तरफ तो एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में ये लोग डटे हुए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर भी ये तालिबानी रास्ता बंद करके बैठ गए हैं, वहां पे भी फायरिंग की जा रही है। तो दूसरी तरफ ये जो तस्वीर सामने आई है, ये गंदे नाले के पास ये सभी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि इस नहर के जरिए ये लोग दूसरे पार जा सकते हैं। एक यही रास्ता इन लोगों को अभी समझ आ रहा है, लेकिन तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता हदें पार कर रही है। डर के मारे अफगानी लोग नाले के रास्ते काबुल एयरपोर्ट के बाहर पहुंच रहे हैं। तो तालिबान ने विदेशी नागरिकों के अलावा सभी के लिए काबुल एयरपोर्ट जाने पर पाबंदी लगा दी है। और ये चार तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर देखिए नाले में किस तरीके से ये तालिबानी हैं, और वहां पर भी आपको बता दें इन लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है जो लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं। तो तमाम तस्वीरों के माध्यम से बस यही बताना चाहते हैं हम कि देखिए किस तरीके से तालिबानियों के खौफ के साए में ये लोग जी रहे हैं। खून बहाए तालिबान, नाले में खड़ा अफगान, तालिबान से बचे हैवान, खत्म हुआ इंसान। अफगान का हर इंसान तालिबान का गुलाम। ये तस्वीरें देखकर किसी भी इंसान का कलेजा मुंह को आ जाएगा। नाले में खड़े ये वो अफगानी है जिन्हें तालिबानी राक्षसों से जान का खतरा है। तालिबानी लड़ाकों के एयरपोर्ट का रास्ता बंद करने के बाद सैकड़ों अफगानी सीवर वाले नाले में बहते पानी में घुटने तक खड़े होकर अपने कागजात दिखा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के भीतर की सुरक्षा संभाले अमेरिकी जवानों से अंदर दाखिल कराने की गुहार लगा रहे हैं। They hit me, but I'm Australian citizen. They hit me, but पंद्रह अगस्त को काबुल में तालिबानी जल्लादों के कब्जे के बाद हजारों अफगानी अपना मादरे वतन छोड़कर अलग अलग मुल्कों में पनाह ले रहे हैं। लेकिन अब अफगानों के लिए देश छोड़ना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि तालिबानियों ने गन के दम पर पूरे अफगानों को अपना गुलाम बना लिया है। देश छोड़ने वालों में ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने 20 साल की जंग के दौरान किसी न किसी तरीके से अमेरिकी और नाटो सेनाओं की मदद की है। उन्हें डर है कि 31 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी फौजों के जाने के बाद तालिबानी उन्हें चुन चुन कर गोली मार देंगे। ये सिर्फ डर नहीं बल्कि हकीकत है क्योंकि तालिबानी जल्लादों ने काबुल एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को अभी से बंद कर दिया है। अब सिर्फ विदेशी नागरिक ही काबुल एयरपोर्ट जा सकते हैं। मैं इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट के ईस्टर्न गेट पर मौजूद हूँ। सीधे हाथ पर जो ये दीवार है ये ईस्टर्न गेट की है, ये रास्ता आगे ईस्ट गेट को जाता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग कोस्टर्स में यहाँ पर मौजूद हैं। आज से चार रोज़ कबल जब मैं यहाँ मौजूद था, जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर लोगों का एक जमे गफीर था जो कि अब बाय लार्ज जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है यूज़ ऑफ फोर्स के थ्रू तालिबान की जानिब से। उनका यहाँ पर जो लोकल कमांडर है उनका ये दावा है कि वो उन्हीं लोगों को जाने दे रहे हैं जिनके पास वीज़ा या कोई प्रायर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, लेकिन इस दावे की तस्दीक मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जितना टाइम मैंने वहाँ पे गुजारा गेट के पास, मेरे सामने कोई पास थ्रू करके नहीं जा सका। काफ़ी राउडी बिहेवियर है यहाँ पे लोगों के साथ भी जो हमें नज़र आया है, और लोग जो हैं यहाँ पर डेस्परेशन में इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह उनको मौका मिले और वो गेट तक जाके मिलिट्री साइट के अंदर जाके मुल्क छोड़ के जा सके। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल अफगानिस्तान से।